आइए विकास समिति के अध्यक्ष हो, हम तमाम लोगों के हरदिल अजीज रहनुमा मोहतरम अय्यूब बनियार साहब से इन चार विषयों से गुजारिश करता हूं कि आप अपनी बात अपनी अदालत में रखें कि सुलगती शाहराहे तपते रेगिस्तान बोलेंगे, सुलगती शाहराहे तपते रेगिस्तान बोलेंगे, हमारी दास्ताने मुल्क के सुल्तान बोलेंगे। और जमाने काट लो चाहे चढ़ा दो सर ही सूली पर, जमाने काट लो चाहे चढ़ा दो सर ही सूली पर, हमें सच बोलना है, हम अला लेलान बोलेंगे। तालियों से इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। अय्यूब मनियार साहब आपके लिए। सिद्धार्थ नगर विकास समिति के जेरे एहतराम, सिद्धार्थ नगर की आन बान शान, पूर्वांचल की बुलंद आवाज 2004 से लेके सिद्धार्थ नगर के लिए दिन रात फिक्र करने वाले हमारे बड़े भाई इज्जत माप, आज के इस कार्यक्रम के नागरिक अभिनंदन समारोह के स्वागत मूर्ति, सिद्धार्थ नगर जिला बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा डुमरियागंज के सांसद बड़े भाई जगदम्बा पाल जी, उनके साथ आए हमारे कसीम रिजवी जी, भिवंडी से आए सेवादल राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम भाई, इस कार्यक्रम में जो लोगों ने मुझे बनाया है, इस कार्यक्रम को सजाने में बनाने में जिन लोगों ने मेहनत की, जावेद चौधरी जी, अल्ताफ हाशमी जी, हरीश दुबे जी, अहमद कुरैशी जी, चंद्रमोहन तिवारी जी, अब्दुल रहमान खान, मेरे भाई रोग चौधरी, इस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नितिन पवार, मेरे साथी कंधा से कंधा मिला के चले रफीक चौधरी, युवा हमारा गुलजार मंसूरी, मेरे भाई कुतुबुल्ला खान साहब, अब्दुल समद साहब, हमारे अमीरुल्ला खान साहब, मुरारी पांडे, हमारे मुंबई मीडिया कांग्रेस सेल के कमालुद्दीन अंसारी, अजीत कुरैशी, शौकल भाई, एहसान कुरैशी, मनोवर खान, तजुल कुरैशी, असद भाई कुरैशी, मतीन चौधरी, शक्कुल कमर और सभी सिद्धार्थ नगर के रहने वाले मेरे भाइयों बुजुर्गों, अब्दुल रहीम भाई और उपस्थित सारे सिद्धार्थ नगर, बल्लापुर, संत कबीर नगर बस्ती के सभी रहने वाले हमारे एनएसवाई महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी संदीप पांडे, मेरा छोटा भतीजा अजय पांडे, यहाँ उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस के उपाध्यक्ष फारूक शेख, उम्मत अली मलिक साहब, मोहित खान जी, नदीम खान जी, शमशाद चौधरी जी, आप सभी का यहाँ मैं खैर मकदम करता हूँ। सिद्धार्थ नगर विकास समिति की जानिब से आप सभी का, आहमद भाई सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज ये कार्यक्रम हमारे लोकप्रिय जननायक पाल जी के स्वागत समारोह के लिए है। इन्होंने जब से ये 2009 से लेकर जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के डुमरियागंज लोकसभा से गए हैं, तब से ये आदमी दिन रात एक किया है। जब भी इनको लाके हमने प्रोग्राम किया है, कोई ना कोई मांग किए हैं। ये रेल से लेकर मुख्य डाकघर, पासपोर्ट कार्यालय से लेकर नेशनल हाईवे से लेकर महाविद्यालय, ऐसी कोई चीज इंशाल्लाह बचेगी नहीं जो सिद्धार्थ नगर में नहीं होगी। पाल साहब अपने स्पीच में, मुझे फख्र है कि सिद्धार्थ नगर डुमरियागंज के लोगों ने ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के दिया है जो दिन रात एक करके
अगर 400 सांसद होंगे तो उसमें मेरा सांसद जो है सबसे ज्यादा निधि लाने में कामयाब है, ये मैं फख्र से कह सकता हूँ। अभी पिछले हफ्ते भारत सरकार के रेल मंत्री गए थे, हमारे यहाँ रेल लाइन का उद्घाटन करके आए हैं और समय आचार संहिता लग चुकी है, हमारे नेता उस हिसाब से इनको भाषण ज्यादा सुनना, मैं तो आपके बीच का हूँ, लेकिन मैं ये बात आज फख्र से कह सकता हूँ कि मैंने जिसके लिए आपसे वोट मांगने की अपील की थी, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरा सर कहीं झुका नहीं, ये मेरा नेता जगदम्बा पाल ने हमसे जो वादा किया था वो इंशाल्लाह उन्होंने पूरा कर दिया है। ऐसी कोई चीज नहीं है इंशाल्लाह बचेगी आने वाले समय में जो सिद्धार्थनगर में नहीं होगी। आप सिद्धार्थनगर भी इलाहाबाद कानपुर लखनऊ बनारस से बात करेगा, आज हमारे यहाँ दो दो नेशनल हाईवे है, आप रेलवे का जाल बिछा दिए हैं, आप बंबई से लेकर बढ़नी तुलसीपुर जा सकते हैं, नवगढ़ जा सकते हैं, बंबई से ट्रेन हुई है, पनवेल से हो गई है, कुर्ला से है, बांद्रा से है, फिर भी पाल साहब नेता हो हमारी आदत है मांगने की। बंबई में सिद्धार्थनगर के लोग, बस्ती गोंडा बल्लामपुर संत कबीर नगर के लोग भरे हैं, आप जितना ट्रेन दिए हैं उसके लिए तो हम सब आपका शुक्र गुजार है, लेकिन ट्रेन बढ़ाइए, बंबई से सिद्धार्थनगर तक ट्रेन ले जाइए, आप गोरखपुर ले जाते हो तो हम लोग की सिटियां चली जाती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आने वाले समय में अल्लाह ताला आपको फिर अगर वहां लाएगा तो आपको हमारे बंबई कुर्ला से या बंबई के बांद्रा से एक ट्रेन स्पेशल गौतम बुद्ध के नाम पर सिद्धार्थनगर तक ले जाने की मांग मैं आज आपसे करता हूँ। मैं 100% जो मांग इनसे 10 साल में सिद्धार्थनगर के लिए किया वो इन्होंने 110% कर दिया। मुझे इनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं, मुझे मेरे जिले के विकास से मतलब है, ये विकास पुरुष है, इसने 10 साल में जो काम किया है आने वाले 60 साल में कोई एमपी नहीं किया, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ, इन्होंने जो काम किया है इनकी बुकलेट तैयार है, आपको बुकलेट मिलेगी, ये काम काफी संसद हो गए हिंदुस्तान में 700-750 जो भी है, मैं ये कहता हूँ अगर उसमें काम का नीति देखोगे तो डुमरियागंज सिद्धार्थनगर का सांसद पहले नंबर पे आएगा, इन्होंने इतना काम किया है उसकी कोई वो नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ सिद्धार्थनगर में आपने बहुत काम किया, उसके लिए मैं शुक्र गुजार हूँ, आप एक स्पेशल ट्रेन बम्बई से सिद्धार्थनगर ले जाइए, और छोटे एयरपोर्ट जो हो रहे हैं मैं आपसे गुजारिश करूंगा आने वाले समय में सिद्धार्थनगर में भी एक एयरपोर्ट हो, जिससे हमारे सिद्धार्थनगर वाले बल्लारपुर वाले को जाने में आसानी हो।